सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज भी का हमारे आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में वापस स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कल पेपर कैसा आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है पेपर से रिलेटेड कि पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि मैथ का पेपर है लेंथी तो नहीं होगा। तो दोस्तों, आपकी कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, और साथ में जो आपकी टेंशन है कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड, बहुत सारे स्टूडेंट को टेंशन भी होती है। तो दोस्तों, टेंशन और कंफ्यूजन दोनों में इस वीडियो में आपकी कम कर दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पूरी एंड तक देखना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमें फ्रेंड्स से वीडियो शेयर भी कर दो। बिना टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर है वो बिल्कुल सिंपल होगा, ना इजी होगा ना हार्ड होगा। इस तरीके का पेपर बन के आएगा आपका कंपार्टमेंट एग्जाम मैथ का पेपर, इस तरीके का होगा कि आप में से हर एक स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट कर पाए और पास हो सके। आपको बहुत सारे लोग जरूर कह रहे होंगे कि मैथ का पेपर है हार्ड आएगा, कंपार्टमेंट पेपर है हार्ड आएगा, उन सभी को इग्नोर करो, मेरी बात पे भरोसा करो। आप चाहो तो अपने जो फ्रेंड है उनसे पूछ सकते हो कि उनका साइंस का पेपर कैसा आया था, क्योंकि साइंस का जो कंपार्टमेंट पेपर है वो बिल्कुल सिंपल था। जैसा उनका बोर्ड एग्जाम पेपर था उसी तरीके से साइंस का कंपार्टमेंट का भी पेपर है, तो उसी तरीके से जो आपका पेपर है मैथ कंपार्टमेंट एग्जाम वालों का वो हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे और आराम से उस पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब बात करते हैं लेंथी की। मैथ का पेपर है लेंथी जरूर होगा, ज्यादा लेंथी तो नहीं होगा, बट अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो होगी, आपकी राइटिंग स्पीड स्लो होगी, तो आपके लिए लेंथी हो सकता है। वैसे कंपार्टमेंट पेपर ज्यादा लेंथी नहीं होता। अब बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होगी, जो हमारा क्वेश्चन पेपर था, जो लास्ट बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था, उसमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं नहीं हो सकते। तो दोस्तों, चांसेस है हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि जो अभी साइंस का कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था क्लास 10th का, उसमें बहुत कम क्वेश्चन थे जो रिपीट हुए थे। रिलेटेड आ सकते हैं लेकिन सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगी। तो एक बार आप बोर्ड एग्जाम मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करने से पहले, कंपार्टमेंट एग्जाम जाने से पहले एक बार जरूर अपना बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना, जिससे बाई चांस कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसका आंसर लिख पाओ। तो गाइस, अब एक इंपॉर्टेंट बात कि कल अगर मैथ के कंपार्टमेंट एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उस क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, उसको स्किप मत करना, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना, चाहे आपको वो क्वेश्चन आता है चाहे नहीं आता। मैं हमेशा अटेम्प्ट करने का इसलिए कहता हूँ क्योंकि बाई चांस अगर टीचर का मूड हो तो आपको अटेम्प्ट करने के मार्क्स दे देता है, और कई बार अगर आपका बाई चांस तुक्का लग गया तो आप अपनी तरफ से तो गलत लिख कर आते हो, और कई बार वो आंसर सही बन जाता है। तो हमेशा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करने भी कई बार मार्क्स होते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में, तो आप हर बार अटेम्प्ट करके आए पूरा पेपर, कोई क्वेश्चन स्किप मत करना। और खासकर मैथ के अंदर आपको पता ही कि स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको, अगर आपका कोई भी स्टेप सही होता है तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि अटेम्प्ट हम कैसे करें, हमें क्वेश्चन आ नहीं रहा तो हम कैसे अटेम्प्ट करें। तो दोस्तों, सिंपल है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके अंदर आप कोई थ्योरम लगा कर आ जाओ। अगर सर्कल का क्वेश्चन है, ट्राइंगल का क्वेश्चन है, तो आप उसमें कोई थ्योरम लिख कर आ जाओ, और अगर बाई चांस कोई सरफेस एरिया वॉल्यूम या फिर कोई फॉर्मूला वाला चैप्टर है तो उसमें अपना कोई फॉर्मूला लिख कर आ जाओ, वैल्यू पुट करके आ जाओ। इससे होगा कुछ नहीं, बस आपको पास होने की थोड़ी मदद मिल जाएगी, आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाएगी, जिससे आप कंपार्टमेंट एग्जाम में इजीली पास हो जाओगे। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि मैथ के कंपार्टमेंट एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग मतलब कि आपको स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका आंसर गलत हो लेकिन आपके स्टेप सही हो तो आपको हमेशा पूरे मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ आपके आंसर के हमेशा 1 मार्क्स ही कट होते हैं। अगर आपका पूरा आंसर सही है और आपका स्टेप गलत है तो आपके कभी भी मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको, अगर आपने आंसर सही लिखा है, आपने आंसर कहीं से कॉपी किया है, कहीं से कुछ भी करके आपने आंसर सही निकाल लिया, लेकिन आपकी स्टेप गलत है, तो आपको आंसर सिर्फ 2 मार्क्स ही मिलेंगे। तो हमेशा याद रखना, स्टेप के मार्क्स होते हैं, तो हमेशा स्टेप सही से फॉलो करो। खासकर कल कंपार्टमेंट एग्जाम में सारी बातें थोड़ी ध्यान रखोगे तो आप पास होने में बहुत आपको मदद मिलेगी। कंपार्टमेंट पास होना बहुत आसान है, आप पढ़ के नहीं गए तो भी पास हो सकते हो। बहुत से स्टूडेंट पास होते हैं बिना पढ़े भी, बस वो थोड़े फोकस रखते हैं, अपना माइंड सेट सही रखते हैं, मोटिवेट रहते हैं। कई लोग पढ़ते बहुत है लेकिन डीमोटिवेट रहते हैं, तो वो वैसे ही डीमोटिवेट हो गए तो फिर आप कैसे पास हो सकते हो। तो हमेशा मोटिवेट रहना, खासकर कंपार्टमेंट एग्जाम देने जाओ तो हमेशा मोटिवेट रहना, डरना मत, बहुत ईजी है कंपार्टमेंट एग्जाम पास होना। अगर आपको डर लग रहा है या फिर कल के कंपार्टमेंट एग्जाम का फियर है तो मैंने अपनी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, मैं आपका फियर और डर दोनों ही खत्म कर दूंगा। तो गाइज, मैथ के कंपार्टमेंट एग्जाम की टेंशन मत लो, पास होना बहुत आसान है, मेरे को आप सभी से उम्मीद है, और मैं आपके सभी के लिए भगवान से दुआ करूंगा कि आप सभी जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं और जो वीडियो नहीं देख रहे वो सभी स्टूडेंट्स कल कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो जाए, वो भी अच्छे नंबरों के साथ में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स से वीडियो जरूर शेयर करना।
जिससे वो भी कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए मोटिवेट हो सके और उनको पता लग सके कल पेपर कैसा आएगा। तो अपने फिर मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप सभी ध्यान रखो और लाइफ एंजॉय करो। चल कोई नहीं, पढ़ लेंगे। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, एग्जाम अच्छे से कर ले। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, एग्जाम अच्छे से कर ले। आय हाय ये पढ़ाई, आय हाय ये पढ़ाई, साली किसने बनाई। आय हाय ये पढ़ाई, आय हाय ये पढ़ाई, आय हाय ये पढ़ाई, साली किसने बनाई।